हमेशा कमेंटेटर इरफान खान और हमेशा बोल रहे थे, इरफान पठान सॉरी, बोल रहे थे कि भाई बुमराह को लेके आइए, विकेट लेना है तो बुमराह को लेके आइए। इवन पाकिस्तान के भी क्रिकेटर वसीम अकरम जो भी हैं कमेंटेटर कर रहे थे, वो भी बोल रहे थे कि भाई बुमराह को लेके आइए, अगर मैच जीतना है इंडिया को तो बुमराह को लेके आना पड़ेगा। अब बुमराह ने वो ब्रेक थ्रू दिलाया, बुमराह ने देखो 4 ओवर में 14 रन दिए और इसमें 1 विकेट निकाला, वो भी भाई बहुत ही नॉकआउट, भाई क्या विकेट निकाला वहां से मैं माफी पाकिस्तान चाहूंगा, के। तीन 3 विकेट निकाला, माफी चाहूंगा, 3 विकेट निकाला उन्होंने यहाँ विकेट पे कुछ। निकाला यार, तुम अरे क्या दिखा रहे हो यार नहीं नहीं भाई, अरे भाई यार पता नहीं इधर पे पुराना वाला शायद वो हुआ है, 3 विकेट निकाला है, माफी चाहूंगा भाई। बुमराह ने आज 3 विकेट निकाले हैं और बेहद जबरदस्त गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की तरफ से हुई है। जसप्रीत बुमराह ने आज मैच को जो है बना दिया। जसप्रीत बुमराह ने ये पता नहीं क्या, ये कैसे पाप हो गया भाई मुझसे। तो देखिए इस ये मुकाबले की पाप अगर हम बात करें तो इस मुकाबले देखिए, ये है सही प्लेट, ये सही प्लेट है, ये वो पता नहीं कैसे हो गया था। जसप्रीत बुमराह ने आज के मुकाबले में 3 विकेट निकाले हैं। और बाकी पहले मैं एक बार मैच का हाईलाइट दे देता हूँ कृष्णा भाई, उसके बाद मैं आपसे एक बहुत कठिन सवाल पूछूंगा, आप बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के कठिन थ्रू सवाल। आप दे दीजिए, ग्राफिक्स के थ्रू दे दीजिए आप। आप रेडी हो जाइए, मैं क्या सवाल पूछने वाला हूँ सोचिए फिलहाल। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच 19वां मुकाबला खेला गया, ग्रुप ए का यह मुकाबला है और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 119 रन लगाए। भारतीय टीम के लिए ज्यादा कोई खास योगदान बल्लेबाजों ने दिया नहीं। सूर्य कुमार यादव फ्लॉप रहे, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, अक्षर पटेल ने 20 रनों का योगदान दिया, शिवम दुबे का बल्ला नहीं चला, ऋषभ पंत ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 31 गेंदों में 42 रनों की पारी, रविंद्र जडेजा गोल्डन डक हो गए। पाकिस्तानी गेंदबाजों की बात करें तो नसीम शाह ने 3 विकेट लिए, मोहम्मद आमिर ने अपनी गेंदबाजी के दौरान 2 विकेट लिए, तो वहीं हारिस रऊफ को भी मिली 2 सफलता। बात अगर हम करें चेस की, रन चेस की बात करें तो रन चेस में मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी सी पारी खेली, आप कह सकते हो 31 रनों की। अगर आप देखेंगे हाईएस्ट रन स्कोरर मोहम्मद रिजवान ही रहे, उनके अलावा बाबर आजम 13 रन, उस्मान खान 13 रन, फखर जमा 13 रन, इमाद वसीम 15 रन, 4, 5, 0, 10 ऐसी ही पारियां खेली है पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। अगर हम बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो भारतीय गेंदबाजों में स्टार रहे जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह 4 ओवर में 14 रन खर्च किए हैं और उन्होंने लिए 3 विकेट। हार्दिक पांड्या ने 2 सफलताएं दिलाई टीम को, 6 की इकोनॉमी से उन्होंने 24 रन खर्च करके 2 विकेट लिए। भारतीय टीम ने इस मुकाबले को, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी और कृष्णा भाई आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि 30 रनों पर भारतीय टीम के 7 विकेट गिरे हैं, अभी तो हमारे पास फिर भी 40 रन है डिफेंड करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा वो बड़ा सवाल, बहुत ही मुश्किल सवाल, मैच का हीरो कौन है, जसप्रीत बुमराह या फिर हार्दिक, माफी चाहूंगा, या फिर ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ऋषभ पंत, देखो, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा क्योंकि ऋषभ मैच के हीरो पंत दोनों ने, ही, मैच का आज आज बहुत मुश्किल है आपको कहना कि भाई देखो बैट्समैन, ये मैच बैट्समैन ने नहीं जिताया, ये मैच आपको बुमराह ने जिताया। और मैं तारीफ करना चाहूंगा हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में एक्सपेक्टर साबित होंगे, और रोहित ने वो विश्वास जताया लगातार, उनको 4 ओवर कराए, आपके पास शिवम दुबे भी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हार्दिक के साथ ओवर को नहीं हटाया, उन्होंने 4 के 4 ओवर कराए, 6 की इकोनॉमी से भले रन दिए लेकिन 2 विकेट बड़े ब्रेक थ्रू दिलाए उन्होंने हार्दिक पांड्या ने। क्या बोलना चाहोगे हार्दिक के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। तो हार्दिक के लिए तो बस एक ही लाइन बोलूंगा जो लगातार हम लोग बोलते हैं, हार्दिक जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं है। और वो सेलिब्रेशन आपको याद ही होगा जब उन्होंने जो जसप्रीत बुमराह ने, माफी चाह क्या कहते हैं, ऋषभ पंत ने जो पीछे कैच पकड़ा था और जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया था, वो सेलिब्रेशन याद है आपको? तो जी, याद भाई है। सेलिब्रेशन अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। और फिर उसके बाद जो अंतिम गेंद में ऐसा लगा शायद एज लगी है या जो, फिर वो इस तरीके से, मतलब हार्दिक पांड्या का ये वाला रूप जो है वो मिस किया हमने काफी टाइम से, और ये वाला रूप अगर हार्दिक पांड्या का बना रहेगा तो निश्चित तौर पर टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया
को रोकना। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं भाई। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है लगभग लगभग। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर इंडिया के खिलाफ अगर मैच हार जाती तो पाकिस्तान का बैक पैक शुरू हो जाएगा। और पाकिस्तान के आज तो हम ठीक है, सोशल मीडिया भर जाएगा कल तो, कि भाई क्या ये फिनिशर लेके गए थे आप, ये बॉलर इमाम वसीम को कितने क्रिकेटरों का इन्होंने संन्यास कैंसिल कराया, ये क्या क्या कहना चाहोगे आप? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस देखिए हिसाब से भाई, मैच अब आज देखिए खेली है, ये शर्मनाक रिकॉर्ड मुझे लगता है अब आगे ऐसा नहीं होगा कि भाई पाकिस्तान को अब वर्ल्ड कप में अगर मैच जिता भी सकती है, सॉरी मैच में बनी रहेगी, ये बाहर हो चुकी है मेरे हिसाब से, तो बाहर हो चुकी है पाकिस्तान। अब टीम पाकिस्तान इंडिया तो अगर देखिए आज वो बाहर मैच ही हो हार भी चुकी है। जाती तो भी, हाँ टीम इंडिया अगर मैच में नहीं, रहती अगर सॉरी आज आज अगर हार भारतीय जाती टीम तो हार बनी जाती, रहती। नहीं, अगर आज भारतीय टीम हार जाती तो बनी तो रहती, लेकिन वही बात है कि भाई यूएसए के ऊपर डिपेंड हो जाती भारतीय टीम, कि यूएसए अपने अगले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करेगी, पाकिस्तान अगले मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करेगी। अब भारतीय टीम को सिर्फ दो मुकाबले खेलने हैं, और दोनों मुकाबलों में से सिर्फ एक मुकाबले में जीत हासिल करनी है। और भारतीय टीम के अगले दो मुकाबले अगर आप देखोगे कृष्णा भाई, तो अगला मुकाबला जो है वो खेलना है यूएसए के साथ इसी मैदान पर, और उसके बाद जो लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है खेलना है कनाडा के साथ, और वो मुकाबला खेला जाएगा फ्लोरिडा में। तो फ्लोरिडा में जो मुकाबला है, मतलब दो मुकाबले हैं, दो में से अगर आप, वैसे तो भारतीय टीम दोनों जीतेगी ऐसी उम्मीद है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया, और आज जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने एक एक वक्त में भारत को परेशान कर दिया था, मैदान यही है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये घर है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला जो मुकाबला है ये उसमें भारतीय टीम फंस सकती है। पाकिस्तान के साथ दोनों मैच एक से ही हुए, वो लास्ट में यूनाइटेड यूएसए को फंस गई थी, यही चाहिए थे 30 बॉल में 32 रन ऐसे चाहिए थे, 20 बॉलों में 32 रन, लेकिन क्या हुआ उन्होंने मार लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मार पाए। लेकिन ये सीनियर प्लेयर इतकार अहमद ये क्यों नहीं मार पाए भाई, इसके लिए उनको रखे नसीम शाह मार के चले गए 2 बॉलों में 2 चौके। भाई अब भाई देखिए ऐसा है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट का अब जो है पतन हो रहा है, ऐसा कह सकते हो आप। क्या मेरे को देखिए एक रीजन जो लग रहा है, बाबर आजम जो है वो जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद उनकी कप्तानी छिन गई थी, शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बने कुछ वक्त के लिए, मैंने जो आज मैच से पहले लाइव किया था उस लाइव में मैंने ये बात जरूर कही थी, उसमें हालांकि किसी का कमेंट नहीं आया था। खैर अभी तो आप जुड़े हो मेरे साथ तो आपसे बात कर लेता हूँ। जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम के साथ वही है, बाबर आजम को कप्तानी से हटाना और फिर उसके बाद दोबारा कप्तानी में लाना, कहीं ना कहीं मोराल जो है बाबर आजम का डाउन हो चुका है। अब देखिए भारत ने हरा तो दिया है पाकिस्तान को और हमें खुशी भी है उस बात की, लेकिन एशियन टीम अगर इस तरीके से डाउनफॉल होगा एशियन टीम का, जैसे अफगानिस्तान की टीम है वो अच्छा करती है तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि एशियन टीम है। श्रीलंका टीम का पतन हो रहा है उसी तरीके से पाकिस्तान टीम के साथ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एशियन क्रिकेट के लिए दिक्कत वाली बात है। बट ठीक है, हमें क्या है, हम बस जीतना चाहते हैं। नहीं, बाद में क्रिकेट की बात ही करना चाहता हूँ कि क्रिकेट का देखो एशियन टीम अगर अच्छा कर रही है तो अच्छी बात है ना, कि देखो बांग्लादेश किसी न्यूजीलैंड को हरा देती है, ये बड़ा बड़ा इतफाक है कि भाई अफगानिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान अब सॉरी अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका को हरा देती है, श्रीलंका की टीम का पतन हो चुका है, तो ये अच्छी बात है ना, एशिया कप में और मजा आएगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता देते हैं, जो भी अगर आपने ये वीडियो को यहां से देखना शुरू किया है तो आप लेफ्ट आउट मत फील करिए, ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया और इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 119 रन लगाए। भारत के लिए ऋषभ ताबड़तोड़ पंत ने 31 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली और अक्षर पटेल ने 20 रनों का योगदान दिया, बाकी किसी ने भी, बस एक बल्लेबाज और है जिसने 10 का आंकड़ा पार किया, वो है रोहित शर्मा 13 रन, उसके अलावा बाकी बल्लेबाजों ने 4-7-3-7-0-9-0-7, ये फोन नंबर नहीं है, ये भारतीय बल्लेबाजों के स्कोर है। गेंदबाजों की बात करें पाकिस्तानी गेंदबाजों की, तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक विकेट निकाला है, तो वहीं मोहम्मद आमिर ने दो सफलता, बैक टू बैक गेंदों पर दो बड़ी विकेट,
मोहम्मद आमिर ने निकाले, नसीम शाह ने जबरदस्त गेंदबाजी की, तीन बॉलिंग, विकेट उनको मिला, तो बॉलिंग, वही मैं तीन विकेट हरी श्रॉफ। बॉलिंग की भी आपसे बोलूं तो पाकिस्तान की बॉलिंग नंबर वन रही। देखो ये इस बात में कोई दौर नहीं कि पाकिस्तान ने आज बॉलिंग खराब की है, पाकिस्तान के बॉलर्स ने वो करके दिखाया, लेकिन ये मैच आ रही है बैटिंग से। भाई नसाउ काउंटी स्टेडियम है, नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम है, और इस स्टेडियम पर तो हमने पहले ही बता दिया था, हमारी पिच रिपोर्ट वाली वीडियो में भी बता दी थी कि भाई यहाँ पर अगर मैच आप जीतोगे तो अपनी गेंदबाजी से ही जीतोगे, बल्लेबाजी से आप शायद नहीं जीत पाओगे मुकाबला, शायद क्या कंफर्म ही था। और भाई बहुत सारे लोगों ने जो है उम्मीद जो है वो गवा दी थी कि ये मुकाबला आप भारतीय टीम शायद हार जाएगी, बट वही है भाई, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे, जसप्रीत बुमराह को सही वक्त में ओवर दोगे तो मैच जीत जाओगे। और ऋषभ पंत की तारीफ होनी चाहिए, ऋषभ पंत ने पहले बल्लेबाजी से 42 रन बनाए, उसके बाद तीन ऐसे कैच पकड़े जो जिसमें से दो तो दो या एक कहूंगा मैं जो लगभग इम्पॉसिबल सही कैच था। और भाई अभी 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 जो है रिहैब करके लौटे हैं, लगभग एक साल बेड पर थे, फ्रीक इंजरी हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था साल 2022 के अंत में, पूरा साल जो है उनका खराब गया 23 वाला, और लग ही नहीं रहा है तो करके कि कमबैक भाई किया ऋषभ पंत ने, तो तारीफ कोई भी करे लेकिन तारीफ करने लायक खिलाड़ी है। इससे पहले रजत शर्मा के आपकी अदालत में इंटरव्यू किए तो उन्होंने, रजत शर्मा ने पूछा था कि भाई पाकिस्तान से भी वर्ल्ड कप मैच होने वाला है तो आपको थोड़ा नर्वस सा हो रहा है, तो उन्होंने कहा था देखो नर्वस तो मैं हो रहा हूँ लेकिन हमें क्या, हमें तो जीतना है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो प्रेशर सारे प्लेयर पे आ जाता है, मैं सिंगल बंदा नहीं हूँ, सारे प्लेयर पे प्रेशर आ जाता है, लेकिन हम मैच को जिताएंगे, बाकी लोग जो भी बोले कि मैं मोटा हो गया हूँ छोटा हो गया हूँ जो भी है, लेकिन मुझे जो मैंने कमबैक किया, जो मैंने स्ट्रगल देखा, जिन गलतियों से मैं सीखा हूँ, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे अपने गेम पे फोकस करना है। तो ये जवाब सुन के पूरी जनता जो इंटरव्यू देख रही चुप हो गई थी, और उन्होंने आज का भी क्राउड शांत किया है भाई, क्या 40 रन मारे, 40-42 रन मारे ऋषभ पंत ने, 40-42 मारे, प्लस बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन तीन कैच पकड़े उन्होंने, फखर जमान का कैच क्या शानदार कैच था, उसके बाद उन्होंने उन्होंने फिर उसके बाद देखिए इमाद वसीम का कैच पकड़ा, और फिर शादाब खान का उन्होंने कैच पकड़ा, तो भाई जबरदस्त तरीके से आप कह सकते हो क्योंकि फील्डिंग मतलब ऋषभ पंत सही मायनों में गजब, आज उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन दिया है, पहले बल्लेबाजी उन्होंने की, अंतिम ओवर आपने देखा होगा, अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह से एक रनआउट चूक गया था और वो पीछे से दौड़कर आए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो रनआउट कर दे, तो भाई फील्डिंग जबरदस्त, कैचिंग जबरदस्त, बैटिंग जबरदस्त, और मोमेंटम तो वो बनाकर रखते ही है पूरा, मतलब मोराल टीम का वो हाई, अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि भाई टीम का मोराल जो है वो नो डाउट ऊपर ही रहे। नो डाउट कि भाई आने वाला फ्यूचर हम ऋषभ पंत के साथ कैप्टनसी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उस प्लेयर में वो काबिलियत है, वो टीम को मोराल जो बना के रखते हैं, जो मोटिवेट करते रहते हैं, आप भले ही कुछ भी बोलते रहे लेकिन प्रेशर को वो फील नहीं होने देते, वो हमने उस क्रिकेटर में देखा है। और बीसीसीआई अगर कहीं ना कहीं इस चीज को देख रही है तो जा सकते हैं, क्योंकि इतना मेरा कहना जल्दी हो सकता है लेकिन एक दो मैचेस के, लेकिन उन्होंने जब से वो ये इंसिडेंट्स के बाद वापस आए तो उन्होंने करके दिखाया है, आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा खेला था, और लगातार तीसरा मैच है जिसमें हाफ सेंचुरी हो जाती, वार्म अप में भी हाफ सेंचुरी, आपके पहला मैच था बांग्लादेश, पहले मैच में 35 कुछ रन मारे थे उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ, और इस मुकाबले में भी उन्होंने लगभग हाफ सेंचुरी लगा ही दी थी, 42 रन बनाकर वो आउट हुए, और जिस तरीके वो दरकार भी थी रनों की दरकार थी कोई, क्योंकि नॉन स्ट्राइक से कोई भी दूसरी तरफ से कोई भी साथ दे नहीं रहा था, तो मुझे लगता है उसके बेस पे उन्होंने जोखिम उठाया, शॉट मतलब मारा, तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो विकेट गिरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत से बेस्ट बैटिंग आज किसी ने की है, और पाकिस्तान या इंडिया की बैटिंग दोनों को ले लो तो सबसे अच्छी बैटिंग लगी तो मुझे ऋषभ पंत की लगी है। जाहिर सी बात है भाई, टॉप स्कोरर आज के मैच के टॉप स्कोरर ऋषभ पंत है, तो उनकी बैटिंग खैर आपको भी पसंद आई और हर किसी को पसंद आई, और सबसे बड़ा जो